अरे ये क्या हुआ, कल तो मैंने इस ट्रैक्टर में नया टायर डलवाया है, ये तो फिर से पंचर हो गया। इतना तेज धमाका हुआ, एकदम मैं ट्रैक्टर से नीचे उतरा, मैं समझा किसी ने पटाखा फोड़ दिया, लेकिन ये क्या, ये तो टायर पंचर हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि कल ही मैंने राहुल से इस ट्रैक्टर में नया टायर डलवाया है, क्योंकि पुराना टायर बुरी तरीके से घिस चुका था, बार बार पंचर हो रहा था, लेकिन ये तो नया टायर कल ही मैंने राहुल से डलवाया है, नया टायर भी पंचर हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। वैसे मैंने राहुल को फोन करके बुला लिया है, यहाँ पर राहुल आता ही होगा। अरे आता क्या होगा मोदी जी, ये देखो मैं आ गया। बताओ मोदी जी क्या बात हो गई, क्या दिक्कत हो गई? क्या दिक्कत हो गई राहुल, ये देखो कल ही तुमने नया टायर ये डाला है मेरे ट्रैक्टर में और ये पंचर हो गया। तुम तो कह रहे थे 6 महीने की गारंटी है, 6 महीने तक टायर पंचर हो ही नहीं सकता। अब मैं शहर जाने को बैठा हूँ, ये देखो बीच रास्ते में ट्रैक्टर पंचर हो गया, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन करके बुलाया है। अब बताओ क्या करोगे? देखो मोदी जी आपके सुनने में गलती हो गई, जब मैंने इस ट्रैक्टर में कल नया टायर डाला था तो मैंने आपसे ये कहा था कटने और फटने की गारंटी है, पंचर की कोई गारंटी नहीं है। अरे पंचर तो राह चलते हो ही जाता है, अभी कोई कील पड़ी हो, कील घुस जाए टायर के अंदर तो पंचर नहीं हो जाएगा। ऐसे कैसे राहुल नया टायर पंचर हो जाएगा, जब हमने पूरे 10,000 रुपए दे के ये टायर खरीदा है, तो ऐसे कैसे पंचर हो सकता है? अपने इस टायर को वापस करो। मोदी जी आपने ध्यान से इस टायर को नहीं देखा, इसके अंदर तो कील घुसी हुई है, ये देखो कील घुस गई, कील जब घुस जाएगी तो टायर तो पंचर हो ही जाएगा। अब मैं आपके ट्रैक्टर के टायर का पंचर तो जोड़ सकता हूँ, लेकिन चेंज नहीं करूंगा, कह देता हूँ, क्योंकि ये तो कील घुसी हुई है इसमें। लेकिन राहुल एक बात समझ में नहीं आती, ऐसा कौन बेवकूफ था जो रास्ते में कीले फेंक कर चला गया? अब एक तो इस ट्रैक्टर का टायर इतना बड़ा होता है, इसको खोल के भी ले जाने के नहीं हो। राहुल तुम अपना सामान यहीं पे ले आओ, यहीं पे पंचर जोड़ दो मेरे ट्रैक्टर का। और बैलों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो योगी जी, तुम्हारे दोनों के दोनों बैलों को मैंने खरीद लिया, अब इन बैलों की अच्छाइयां और बुराइयां भी मुझे बता दो, क्योंकि मैं इन्हें घर लेकर जा रहा हूँ। ये बैल मारते तो नहीं है अपने सींग से? काम काज तो अच्छी तरीके से करते हैं? चारा कितना खाते हैं, ज्यादा खाते हैं या कम खाते हैं? अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, इस पूरी बैल बाजार में मेरे बैलों की तरह बैल तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। ये बैल जानवर नहीं, पूरी तरीके से इंसानों की जिंदगी जीते हैं, ना किसी को मारते हैं ना पीटते हैं। और योगी जी आपने ये नहीं बताया, ये चारा कैसे खाते हैं? इन्हें हरा चारा पसंद है या भूसा पसंद है? अरे मोदी जी आप भी बिल्कुल अजीब बात करते हो, अभी मैंने बताया नहीं आपको, ये मेरे बैल इंसानों वाली जिंदगी जीते हैं, ये चारा उरा नहीं खाते, ये इंसानों के तरह सब्जी और रोटी खाते, पूरी इन्हें बहुत पसंद है। मैंने तो इनके खाने के लिए एक रसोईया रख रखा था, वो ही इन्हें खाना बनाकर खिलाता था और ये खाते थे। हरे चारे या भूसे से इनका क्या लेना देना? लेकिन योगी जी ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इन्हें रोज पूरी और सब्जी इतना ज्यादा बनाकर कहां से खिलाया जाएगा? और ये हल्को तो अच्छी तरीके से खेत में खींच लेते हैं। अरे मोदी जी मैंने आपको बताया नहीं, ये इंसानों वाली जिंदगी जीते हैं, इन्हें काम काज से क्या मतलब? ये दोनों बैल तो काम चोर है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत अच्छा काम करेंगे, इतना मुझे भरोसा है। अरे योगी जी कैसी मुसीबत में मुझे डाल दिया, मैं आपको पैसे भी दे बैठा हूँ, ये आप किस तरीके से बैल बता रहे हैं? एक तो मैं इनके लिए इंसानों वाली रोटी कहाँ से लाऊंगा, और ऊपर से तुम कह रहे हो कि ये काम काज में भी माहिर नहीं है। राहुल इसी तरीके की तुम बैल दिलवाने के लिए लाए थे योगी जी के पास? मोदी जी आपने मुझसे कहा था कि बैल दिलवा लाओ बैल बाजार से, मैंने आपको बैल दिलवा दिए, अब आपने ये थोड़ी पूछा था ये खाते क्या है या मेहनत क्या करते हैं लेने से पहले। अब इतना सब कुछ योगी जी आपने बता दिया, ये भी बता दो पानी कौन सा पीते हैं, ये नदी का या तालाब का? अरे मोदी जी नदी तालाब के पानी से इनका क्या मतलब, ये बैल सिर्फ और सिर्फ कुएं का शुद्ध पानी पीते हैं, इनको नदी तालाब के पास ले जाओगे उल्टी भाग लगा देंगे। और जी मुसीबत में डाला, मेरे गाँव में तो कोई कुआं भी नहीं है, तो मैं इन बैलों को पानी कहाँ से पिलाऊंगा? और बैलों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे केजरीवाल सामने से हटो, हटो सामने से, मेरी साइकिल के सामने से हटो, कैसे रोड पर सामने चल रहे हो तुम? एक तो मेरी साइकिल का हैंडल जरा सा भी इधर उधर को नहीं मोड़ रहा है, इस साइकिल पर भी इतना भारी व्यापार करना मुश्किल हो रहा है, लगता है मोटरसाइकिल खरीदना पड़ेगी। अरे मोदी जी बेफालतू की बात करते हो, जिस तरीके से तुम इस साइकिल पर सामान लाते हुए हो उस तरीके से तो तुम्हें ट्रक की जरूरत पड़ेगी, मोटरसाइकिल की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। अरे साइकिल के ऊपर इतना सामान लेकर कोई चलता है? मैं चलता हूँ केजरीवाल, देखो साइकिल पर इतना सामान लेकर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? जाकर अपनी गेहूँ की कटाई करो भाई, ये मैंने इतना बड़ा व्यापार इस साइकिल पर ही तो व्यापार करके फैलाया है। लेकिन केजरीवाल एक बात बताऊं,
इस पर इतना वजन लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है। अब तुम देख ही रहे हो मेरे साइकिल के ऊपर इतने बोरे लदे हुए और मैं सबसे पीछे बैठा हुआ हूँ। अरे मोदी जी तेजी से अपनी साइकिल चलाओ, तेजी से चलाओ। अरे मेरी साइकिल आपकी साइकिल से टकराई। अरे आप इतना ज्यादा वजन लाद लेते हो इस साइकिल के ऊपर और पीछे वाले यात्रियों को दिक्कत होती है। अब देखो आप इतने हल्के हल्के साइकिल चला रहे हो, मेरी साइकिल अभी आपकी साइकिल से टकराते बच गई। जब राहुल इतनी तेजी से अपनी साइकिल को लेके चलोगे तो तुम्हारी साइकिल तो मेरी साइकिल से टकराई जाएगी। अब देख रहे हो मेरी साइकिल के ऊपर कितना वजन लदा हुआ है। तुम्हारी साइकिल के ऊपर तो आइसक्रीम की छोटी सी पेटी है बस। तुम साइकिल पर आइसक्रीम का व्यापार करके अच्छी कमाई कर रहे हो। अरे मोदी जी, राहुल तुम दोनों लोग तो साइकिल से व्यापार करके अच्छा कमा रहे हो, मैं तो भाई बस खेती बाड़ी में ही अपना हाथ आजमा रहा हूँ। जब इस खेती बाड़ी में कुछ नहीं बचने लगेगा तो मैं भी एक साइकिल खरीद लूंगा और साइकिल से आप ही की तरह व्यापार करूंगा। लेकिन मोदी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप गांव-गांव जाकर ये कबाड़ा खरीदते हो और कबाड़ के बोरे इस साइकिल पर लादकर शहर ले जाते हो, शहर ले जाकर इन्हें बेचते हो, अच्छा प्रॉफिट करते हो, लेकिन ये इतने ज्यादा कबाड़ के बोरे लेकर आप साइकिल पर चल कैसे लेते हो? केजरीवाल आज तो मेरी साइकिल पर कोई खास बोरे नहीं है, आज तो कम से कम मेरा मुंह तो दिख रहा है सामने, कल तो इन बोरों से मेरा मुंह तक ढक गया था, मैं अंदाजे से बस साइकिल को चला के ले गया था शहर तक। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।